नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 23 जून को मुखबिर की सूचना पर बालाघाट के ग्रामीण थाना नवेगा पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई करते हुए आरोपी सालेग्राम मोमने उम्र 53 वर्ष और उसका लड़का रोहित मोमने उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 बंदर चिड़िया ग्राम कोसमी को पकड़ा गया, जिनकी तलाशी लेने पर पुलिस को इनके कब्जे से कुल 1 किलो 850 ग्राम गांजा कीमत लगभग 14,000 और चरस की कुल 21 नग 17.34 ग्राम वजनी गोलियां जिनकी कीमत 5,250 रूपये और एक एक्टिवा वाहन बरामद किया गया। आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। इस रेड कार्रवाई में निरीक्षक प्रदीप कुमार खन्ना, उप निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी, प्रधान आरक्षक निखिलेश अग्निहोत्री, सुधीर श्रीवास, आरक्षक प्रियांक श्रीवास, वीरेन्द्र वरकड़े, गजेन्द्र माटे, शैलेश गौतम, महिला आरक्षक अनिता मनघटे, चालक आरक्षक दिनेश राव की मुख्य भूमिका रही। जानकारी देते हुए सीएसपी कार्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। पकड़ाए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और इसमें अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के तार जुड़े होने की भी संभावना है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमको निर्देशित किया गया था कि बालाघाट का जो क्षेत्र है इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से जो अवैध मादक पदार्थ की बिक्री या तस्करी होती है उस पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। उसी के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी जो भी अवैध मादक पदार्थ के संबंध में सूचना मिलेगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में कल मुख्य से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो तस्कर जो हैं वो कहीं बाहर से माल लेकर ग्रामीण के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उसी सूचना पर एक्ट करते हुए ग्रामीण थाने की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपी सालिग्राम मोमने और उसका बेटा रोहित मोमने, इन दोनों को इनकी गाड़ी को रोककर तलाशी ली जिसमें 1 किलो 850 ग्राम गांजा और लगभग 17 ग्राम के ऊपर 21 गोलियां चरस की हमें मिली। तो उनको वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर 8 ऑम्बलिंग पुलिस एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज किया गया है और इसमें इन लोगों का बाजारी मूल्य सर मादक पदार्थ इनकी कीमत गांजे की कीमत लगभग 14,000 है और चरस की कीमत लगभग 5,500। सर ये आदतन अपराधी ये पहली बार कर देखिए, सूचना मिली है कि ये पहले भी बेचते थे गांजा, इन पर पहले भी तलाशी मिली थी तब शायद नहीं मिल पाया था, लेकिन उनकी सूचना लगातार मुखबिर से प्राप्त हो रही थी कि इस क्षेत्र में बेचा जा रहा है तो उसी पर हमारे द्वारा कार्य। सर चरस की गोलियाँ भी पकड़ी तो कहाँ से इन्होंने लाया था और किसे सप्लाई करते थे, क्या इन्होंने इसका लिंक अभी हम तलाश कर रहे हैं कि ये कहाँ से लाए थे और जो भी उसमें भी जो पूछताछ करेंगे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई। प्रथम दृष्टया क्या लगा सर कि ये बाहर से कहीं से बुलाया गया है या महाराष्ट्र या उड़ीसा तरफ से सूचना मिली है वहाँ से? सर इनके खिलाफ और पहले भी ऐसे कुछ मामले पहले इनके खिलाफ रिकॉर्ड सालिग्राम के ऊपर एक जो मामला पहले भी सर ये नशीली वस्तु का बेचने वाला है। जी जी ये बेचने वाला एक मामला उसके ऊपर पहले से भी था। क्या सर इनके तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं? अंतर्राज्यीय गिरोह की तो मैंने जैसा बताया आपको कि ऐसा पता चला है कि शायद उड़ीसा से कहीं से माल लेकर आते थे, तो एक हाँ गिरोह हो सकता है सक्रिय है, तो उसी संबंध में अन्वेषणा भी हमारी जारी है। अगर इस प्रकार का मिलता है कि गिरोह बड़ा कोई तस्कर है जो कि बालाघाट में सप्लाई करता है तो हम उस तक भी पुलिस में पहुँचे। ठीक।